जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। किस खेल से कौन सा पुरस्कार सम्मानित है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद से अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के लिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य संगीत के लिए। इसके लिए संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन ईबोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। रेमन मैक्स के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा रेमन मैक्स पुरस्कार दिया जाता है। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्विट्जरलैंड ने। नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। खेल प्रतिरक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1901 ईस्वी में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। सी वी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों का विचार किया गया? तो राजमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब